हैप्पी बर्थडे मनाने वालों हो जाओ सावधान। भगवाधारी योगी के यूपी में है तो कभी मत करना ये गलत काम, वरना इस गलत काम का हो सकता है बहुत ही बुरा अंजाम। पुलिस सिखाएगी ऐसा सबक, फिर सड़क पर नहीं मनाएंगे बर्थडे। जिंदगी का एक साल पूरा होने पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अब तो लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बच्चे के एक महीना पूरे होने पर भी केक काटकर सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस बर्थडे को लोग अभी तक घरों में मनाया करते थे, वो बर्थडे अब चौक चौराहों और सड़क पर मनाने का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं कार की डिग्गी में केक रखकर बर्थडे मनाया जाता है, तो कहीं सड़क पर ही लोगों को जुटाकर बर्थडे का केक काटा जाता है। और इस दौरान खूब हुड़दंग तो होता ही है, साथ ही सड़क पर गंदगी भी फैल जाती है। ये चलन तो फिलहाल आम है, लेकिन योगी के यूपी में अब अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे यूपी पुलिस कैसे सबक सिखाएगी, ये देखना है तो इस बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये नजारा है यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां 1090 चौराहे पर शुक्रवार की रात 8-10 युवक अपने साथी युवक का बर्थडे मना रहे थे। केक काटने के बाद इन युवकों ने गुब्बारे फोड़े, फोम स्प्रे चलाया और दौड़ दौड़ कर एक दूसरे पर केक फेंक रहे थे, सड़क पर फैला भी रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर बीच चौराहे पर जबरदस्त हुड़दंग चल रहा था कि इतने में गश्त कर रही गौतमपल्ली इलाके की पुलिस पहुंच गई तो बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर फैलाई जा रही गंदगी रुक गई और फिर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पहले तो इंस्पेक्टर ने हुड़दंगियों को बुलाया और फिर उन्हें डपटते हुए कहा, इस तरह से जन्मदिन मनाना क्या अच्छा लगता है आपको? आप जिम्मेदार युवक हैं या भद्रता आप पर शोभा नहीं देती? अच्छे घर के लगते हो, सड़क पर फैले केक और डिब्बों से कोई भी वाहन चालक स्लिप होकर गिर सकता है। इतनी हिदायत देने के बाद पुलिस ने फिर एक और एक्शन लिया और जिन लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर सड़क पर गंदगी फैलाई थी, उन्हीं युवकों से गंदगी भी साफ करवाई। इसी दौरान किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और फिर जिसने भी इस वीडियो को देखा यूपी पुलिस को सलाम ठोका। पत्रकार आदित्य तिवारी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हुड़दंग करके बीच सड़क केक काट कर मनाया जन्मदिन, 1090 चौराहे पर केक फैला कर की गंदगी, इंस्पेक्टर ने करवाया साफ, सिखाया सबक। करण माथुर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा किया, सार्वजनिक स्थल को गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है, जन्मदिन घर में मनाओ, यदि घर नहीं है तो मत मनाओ, दूसरों को परेशान क्यों करना। योगेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, जीभ से साफ करना चाहिए था कि खाकर खत्म करो। रवि प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आई लाइक दिस एक्शन, थैंक यू यूपी पुलिस। अभिषेक मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, इस सबक को अगर इसने अच्छे रूप में लिया तो भविष्य में एक सच्चा और जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। शुभम श्रीवास्तव नाम के ट्विटर यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, जन्मदिन की ढेरों बधाई भाई, आपके चारों तरफ साफ सफाई रखें और स्वस्थ रहें। अमोल रंजन नाम के यूजर ने लिखा, बहुत उत्तम कार्य, आज के दिखावे के चक्कर में जो बर्बादी सिर चढ़ गई है खासकर युवाओं में, उनसे ये कराना जरूरी है। अरविंद शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसे ही शासन की जरूरत है, वहां केवल सब हुड़दंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इनको अंदर करो जितने लफंगे टाइप के लोग हैं। हुड़दंगियों से सड़क पर फैले केक साफ करवाने वाली वीडियो आई, जितनी भी प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई इनमें सभी लोग यूपी पुलिस के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में भले बहुत छोटी बात लगती हो लेकिन चौक चौराहे और सड़कों पर बर्थडे मनाने का जो ट्रेंड चला है ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। सड़क पर फैले केक की वजह से अगर कोई गाड़ी फिसलती है तो भीषण हादसा हो सकता है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने इन हुड़दंगियों को सबक सिखाने के लिए उन पर डंडे बरसाने के बजाय उन्हीं से सड़क पर फैले केक को साफ करवाया और उसे डस्टबिन में डलवाया। बहरहाल यूपी पुलिस के इस एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।